जनपद संभल के चंदौसी में एकादशी के दिन निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का उद्घाटन वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी के साथ प्रेम शंकर रस्तोगी ने फीता काट कर किया। आपको बताते हैं कि आज पूरे देश में एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इसी के तहत जनपद संभल के चंदौसी में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का शुभारंभ वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी व प्रेम शंकर रस्तोगी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान बताया गया कि रंग एकादशी शोभा यात्रा से ही होली का प्रारंभ होता है। आज हमारे चंदौसी में परंपरागत जो सालों से चली आ रही है, सैकड़ों सालों से, एकादशी रंग की शोभा यात्रा थी। श्री रस्तोगी सभा द्वारा ये आयोजन होता है, उन्होंने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। आज शोभा यात्रा का उद्घाटन किया, भगवान कृष्ण जी की, राधा जी की तमाम झांकियाँ थीं, उनका विधिवत पूजन करके मैंने उद्घाटन किया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज एकादशी की रंग की जो बहुत ही शोभा यात्रा, उसका उद्घाटन करने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा त्यौहार वो प्यार मोहब्बत भाईचारे की पहचान है, चंदौसी में सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। चंदौसी वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप इस होली के पर्व पर जो आज शुरुआत हुई है, प्यार मोहब्बत और बहुत जज्बे के साथ, लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी रखना है कि कोरोना जैसी दोबारा पुनः जो चेतावनी सरकार की तरफ दी जा रही है, उसमें भी हमें एहतियात बरतना है और पूर्ण रूप से प्यार मोहब्बत के त्यौहार को मनावें। धन्यवाद।